दोस्तों, जैसे ही इंडिया के अंदर आईफोन 12 सीरीज लॉन्च हुई, लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता बढ़ गई कि जैसे ही इन्होंने प्री बुकिंग स्टार्ट की, एक दिन के अंदर इतने डिवाइसेज इन्होंने बुक किए कि इनकी रिकॉर्ड टूट गई पिछली जितने भी आईफोन्स की बिक्री को देखे तो हम, मतलब लोगों का ये फेवरेट आईफोन बन गया है। लेकिन इस आईफोन के अंदर खासियत तो है कि इसकी डिजाइन काफी लोगों को लुभा रही है, लेकिन नुकसान की बात ये बता रहे हैं कि इसके अंदर नहीं होगा आपका चार्जर अडेप्टर। मतलब एक फोन के अंदर अडेप्टर आता है जो पहली बार आईफोन यूजर है उसके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। क्या ये पूरा माजरा? कई लोग तो कह रहे हैं कि ये इनकी चालबाजी है कि ये लोग इंडिया के अंदर अपना सामान बेचना चाह रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इन्होंने स्टंट किया है। क्या है ये पूरा मामला, हम बात करेंगे आज इसी वीडियो में, तो आप वीडियो पूरी देखना। मेरा नाम है अनुज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी लोगों का जहां तक बात करें तो हर जगह से ये कुछ ना कुछ लोग बोल रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि इसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कई लोग इसको कह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और जब तक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन तो एप्पल कंपनी का जो कहना है वो ये है कि उन्होंने अडेप्टर इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो कार्बन एमिशन को कम करना चाह रहे हैं। आप सभी को पता है कि हर घर के अंदर चार्जर होते हैं, जब भी हम नया फोन लाते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जर आता है और वो पुराने चार्जर कोई काम के नहीं रहते। दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए आईफोन ने ये कहा कि हमें कार्बन एमिशन कम करना है ताकि ये जो ई वेस्ट है ये कम से कम फैले और इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म करे, इसीलिए उन्होंने अडेप्टर हटा दिया। लेकिन दोस्तों, ये अच्छी बात की जगह बुरी बात यह हो गई क्योंकि इस बार जो अडेप्टर है वो कुछ अलग है। जो आईफोन 11 के यूजर्स हैं सिर्फ वो ही इसके लिए होंगे। किसी पास अगर आईफोन 10 है या फिर किसी के पास आईफोन 7 है 6 है तो उनके पास जो अडेप्टर उससे काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको अलग से अडेप्टर खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये नुकसान सी बात हो गई। और दूसरी अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो इन्होंने प्राइस में बिल्कुल भी कटौती नहीं की। ऐसे नहीं कि अडेप्टर कम कर दिया तो अडेप्टर हटा दिया तो प्राइस भी कम कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्राइस उतनी की उतनी या फिर उससे आप कह रहे हो ज़्यादा ही है, लेकिन अडेप्टर का कुछ भी माइनस नहीं किया है। कई लोगों को मैंने सुना है, कई लोगों को यूट्यूब से भी मैंने देखा है, लोगों को बताया है कि लोगों ने बताया है कि अगर आप एक आईफोन यूज़र है, अगर आपको पसंद आईफोन 12, तो अगर आप दुबई जाकर आप आईफोन खरीद कर वापस भी आ जाएं तब भी आपके पास बचत रहेगी। मतलब इंडिया के अंदर इतना महंगा है। मुझे तो आईफोन सीरीज बिल्कुल ही पसंद नहीं है और ना मैं चाहता रहता हूँ कि आगे ऐसे कुछ खरीदने की, लेकिन जो लोग इसके फैन हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो आप इंडिया से अगर बाहर देखें, अगर देखो सभी बात करेंगे, जैसे एप्पल ने कहा कि हम असेंबल करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने आईफोन 10 जो सीरीज थी वो इंडिया के अंदर असेंबल करना स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसे कोई प्राइस ड्रॉप मिली नहीं, क्योंकि जब भी कोई नया आईफोन आता है तो प्राइस ड्रॉप वैसे ही देखने को मिलती है, इसका कोई इफेक्ट नहीं मिला। और जैसे ही आईफोन 12 आया तो उसका भी कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला। मैं तो यही है कि अगर आपके कोई विदेश में है कोई यार दोस्त या परिवार का सदस्य तो आप उससे आईफोन 12 मंगा लीजिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बल्कि यहाँ पे आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने का, तो 30,000 एक्स्ट्रा देने का या 40,000 एक्स्ट्रा देने का कोई भी मतलब नहीं होता। और जहाँ तक बात है कार्बन एमिशन वाले की, तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि यार अगर सेम ही चीज़ आ रही है, शुरुआत से सेम ही अडेप्टर दे रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन यार जो न्यू यूज़र है वो अडेप्टर कहाँ से ले गया? और आपको पता है कि आईफोन का एक अडेप्टर, जैसे आपको एंड्रॉइड का अडेप्टर लेते हो तो वो 200-300 रुपये का मिल जाता है, 500 रुपये का मिल जाता है या फिर 1,000 रुपये का मिल जाता है, लेकिन आईफोन के अडेप्टर बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, तो जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। मेरी और भी यूट्यूब वीडियोज़ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर जरूर दबा देना, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपके पास एक पता चल जाए कि अनुज ने वीडियो डाली है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। स्टे होम, स्टे सेफ।